एम्पलीफायर क्या चीज है इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़कर एम्पलीफाई कर देते हैं। ये जो आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, इसका एम्पलीफाई का जो आउटपुट है अगले ट्रांजिस्टर के लिए हमारे पास उसको इनपुट के रूप में दे देते हैं, और यहाँ से जो आउटपुट मिलता हमें अगले ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट के रूप में हम देकर उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो इस टाइप के कनेक्शन को या इस टाइप के एम्पलीफिकेशन को हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। इसका जो फाइनल हमारे पास आउटपुट मिलता है वह सारे जितने आपके एम्पलीफिकेशन के लिए हर एक का जो वैल्यू आएगा उन सबके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, यह हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का टोटल एम्पलीफाइड वैल्यूज हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी पैरामीटर में हम लोग यहाँ पर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है वह क्या चीज है इसके बारे में हम एक सर्किट के द्वारा यहाँ पर समझेंगे। एक सर्किट ही हमें यह समझाएगा, क्योंकि हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर यहाँ पर हम लोग दो ही ट्रांजिस्टर को लेंगे। टू ट्रांजिस्टर के थ्रू हम पूरे एम्पलीफिकेशन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वह दो ट्रांजिस्टर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। दो ट्रांजिस्टर को यदि हम इसके कनेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से कनेक्शन देते हैं यह ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये जो कनेक्शंस दिए जाते हैं, ये कैपेसिटर C1 हमारे पास है, और C1 हमारे पास ये जो कैपेसिटर है वह इस रेफरेंस में यहाँ पर ये काम करता है कि आप इनपुट जो दे रहे हो, हमें AC चाहिए। इनपुट कौन सा चाहिए? AC मेरे को चाहिए। तो मैंने यहाँ से AC सिग्नल दिया, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे RS कहते हैं। ये जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। तो C1 जो कैपेसिटर है वह इस ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर्स लिया गया है, जिसका एरो बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज किया। C1 क्या करेगा, यहाँ जो आपके पास DC को ये ब्लॉक कर लेगा और AC को ही जाने देता है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर दो बाइसिंग रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं। यहाँ से मैंने दो बायसिंग रेजिस्टेंस लगा दिया, R1 और R2। इनके नाम आप चाहे जैसे दे सकते हैं, R1 और R2, ये दो बायसिंग रेजिस्टेंस दे दिए जो कि इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग देने का काम करेंगे। इसी तरह से मेरे पास एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, ये रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इसको बायसिंग देने का काम करता है। इसको RC भी कहते हैं, R3 भी कहते हैं, R4 भी कहते हैं, जो भी वैल्यू आप लोग लेना चाहे वो लोग हम लोग ले सकते हैं। यहाँ से मेरे पास ये क्या हो गया, आपके पास ये बायसिंग रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से मेरे पास आउटपुट मुझे मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस RE लगाया, RE लगाया, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर C8 कर दिया। C का काम बाईपास रेजिस्टर, बाईपास कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम CE है। बाईपास मैंने इसलिए कहा कि ये क्या करेगा, AC को पास होने देता है और DC को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से मैक्सिमम है वह यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट हमें मिलेगा DC वाला कंपोनेंट। तो यहाँ से मेरे पास मैंने क्या कर लिया, यहाँ से मुझे आउटपुट मैंने ले लिया। इसके बाद ये जो मेरे पास
यहाँ से जो आउटपुट मिला इसको मैं नेक्स्ट जो आपके पास ट्रांजिस्टर होगा, नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट जो आपके पास ट्रांजिस्टर होगा उसे मैं इनपुट के रूप में दे देता हूँ। ये जो कैपेसिटर है यह एक कपलिंग कैपेसिटर है, यहाँ पर मैंने इस ट्रांजिस्टर के इनपुट के रूप में इसको मैंने दे दिया, इस ट्रांजिस्टर के इनपुट के रूप में दे दिया। यहाँ पर भी मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर्स लिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास क्या यूज कर लिया मैंने, आर ई और सी ई, आर ई और सी ई सेम, क्योंकि मैंने कितने ट्रांजिस्टर, मुझे कितने टू ट्रांजिस्टर्स मुझे यहाँ पर यूज करना है, इसलिए मैंने दो ट्रांजिस्टर को यूज कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पर भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा जो कि इसके बायसिंग का काम करेगा। इसको मैं R4 नाम दे देता हूँ, इसको मैं RE नाम दे रखा है। यहाँ से मेरे पास आउटपुट मिलेगा, इसको भी एक कैपेसिटर से जोड़ दिया मैंने, इसको CC या C1, C2, C3, 4 एंड सो ऑन हम लोग लिख सकते हैं। ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया एंड सो ऑन लिखा जा सकता है, और यहाँ से मेरे पास आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से मुझे आउटपुट मिल जाता है। और साथ ही साथ ये जो है एक इसको पावर सप्लाई से मैंने जोड़ दिया, इसको मैंने ECC नाम दे दिया। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक क्या बन गया, टू स्टेज के लिए, ये किसके लिए, टू स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर। कौन सा होगा आपके पास, ये टू स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर के लिए हमारे पास क्या हो गया, सर्किट बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास R1, R2 और ये R3 है, इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग देने का काम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ जो ECC हमारे पास है, एक्चुअल में यहाँ जो हमारे पास एनर्जी जो अपने एम्पलीफाई होती है, पावर जो एम्पलीफाई होता है, वह इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया, एक टू स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर। RC कपल्ड यानि R और C, यह हमारे पास लोड रहेगा, क्या रहेगा आपके पास, लोड रहेगा। तो ये RC कपल्ड C को जोड़ा, C क्या आपके पास, R आपके पास रेजिस्टेंस है, R क्या ये रेजिस्टेंस, C क्या है आपके पास कैपेसिटर, इसलिए इसको RC कपल्ड एम्पलीफायर। कौन सी स्टेज का, टू स्टेज, कितने स्टेज का बनाया मैंने, टू स्टेज। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ जो ये ट्रांजिस्टर बनते हैं वह ये एक स्टेज होगा, ये जो पार्ट आपका कौन सा होगा, एक स्टेज होगा, ये जो पार्ट कौन सा होगा आपका, सेकेंड स्टेज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर यह वैल्यूज रखी जाती है। ये जो इसका मान है लगभग कितना होता है, 10 माइक्रोफेरेड, इसका कितना होगा आपके पास, 10 माइक्रोफेरेड का होता है, इसकी जो वैल्यू आपके पास 100 माइक्रोफेरेड की होती है। तो इस प्रकार से हर एक डिवाइस के लिए, हर एक एम्पलीफिकेशन के लिए हमारे पास ये अलग अलग वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं। ये जितने भी आपके पास C1, ये जितने भी है, ये वाले कौन से वाले आपके पास, ये जो आपके पास कपलिंग कैपेसिटर है, जितने भी आपके हमने ये यूज़ किए हैं, ये और आपके पास ये वाला, ये सब 10 माइक्रोफेरेड के हैं। ये क्या होंगे आपके पास, 10 माइक्रोफेरेड के नाम से 10 माइक्रोफेरेड वैल्यूज होगी। अब ये जो हमारे पास ये जो टू स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर दिया गया है, उसको हम किस में हम लोग चेंज कर दें, हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में, इसको हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में चेंज कर दें। मैंने आपको ये जो एक वीडियो दिया था पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो ये जो हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में ऐड किया मैंने, हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में इस सर्किट को क्या करूं मैं, कन्वर्ट कर देता हूं।
हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यह मेरे पास क्या है, एक एसी सिग्नल है क्या आपके पास, एक जो सोर्स हमारे पास जो दिया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो सोर्स है वह क्या है आपके पास, इनपुट के रूप में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसमें, आपके ये जो हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में। इसको हमें ये जो सारे डायग्राम्स बना के मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार और देख लीजिए इसको आप लोग कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आएगी। यहाँ पर हमारे पास आईबी, एक्चुअल में ये जो है आपके पास हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में, एक तरह से ट्रांजिस्टर को ही हम लोग इसको ऐसा हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में लिखते हैं। किसको, इस ट्रांजिस्टर को ही हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। ये एच आई ई हमारे पास रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस है, क्या होगा आपके पास, इनपुट रेजिस्टेंस होता है एच आई ई, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। यहाँ पर हमारे पास करंट गेन है, एच फॉरवर्ड करंट गेन होगा एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आई बी, यहाँ जो करंट आपका बहेगा आई बी करंट हमारे पास बहता है किसके अंदर, कलेक्टर के अंदर। इसी तरह से मैंने इसको आगे जो कनेक्शन दिया है वह कैसे दे दिया, आर एल से। यहाँ पर मेरे पास ये आउटपुट मिल जाता है, क्या मिलता है आपके पास, आउटपुट मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास फिर ये एक फर्स्ट ट्रांजिस्टर का हो गया, किसका हो गया आपके पास, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का हो गया। इनपुट रेजिस्टेंस ले लिया मैंने और ये एच एफ ई करंट हमारे पास, ये जो करंट की जो वैल्यू है वो मैंने फाइंड कर ली, और यहाँ पर मेरे पास करंट मिलेगा वो आई सी होगा, क्या होगा आपके पास, आई सी। फिर ये आपके पास ये जो दूसरा कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर, क्या होगा आपके पास, कपलिंग कैपेसिटर सी 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 सी, फिर जोड़ दिया मैंने। फिर बाद में पुनः हमारे पास क्या जाएगा, दूसरा एच आई ई, क्या जाएगा आपके पास, ये एच आई ई रेजिस्टेंस होगा। तो एच आई ई हमारे पास ये आ गया, और साथ ही साथ एक और यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर सी एस जोड़ दिया। सी एस का मेरे पास यहाँ पर रोल ये है कि जो सोर्स से आप इनपुट दे रहे हो, सोर्स से जो आप इनपुट दे रहे हो उसे मैं क्या कर दूँ, फिल्टर कर दूँ, उसे मैं क्या कर दूँ, फिल्टर कर देता हूँ। तो वहाँ से भी मेरे पास क्या होगा, इजीली यहाँ पर फिल्ट्रेशन मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, ये जो बना है इसके कोरेस्पॉन्डिंग यानि कॉमन इमीटर टू स्टेज एम्पलीफायर के लिए हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में क्या बन गया आपके पास, सर्किट बन जाता है। तो एच आई ई आई बी एच एफ ई आई बी, और यहाँ पर आपका जो करंट की जो अगर डायरेक्शन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये जो डायरेक्शन आपका कौन सा होगा, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पर आपके पास ये कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन ये होगी, क्या होगी आपके पास, करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ ये है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ करंट की डायरेक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये आपके आई सी की डायरेक्शन, ये आई बी की डायरेक्शन, एच आई एफ ई आई बी ये, और ये आर एल लोड से हम लोग यहाँ आउटपुट निकाल लिया। फिर सी सी के सी सी कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू इसको क्या दे दिया मैंने, बेस के अंदर, यहाँ जो बेस है और यहाँ एमिटर है और ये कलेक्टर है, इनको इस के इसका जो आउटपुट निकला वह इसके इनपुट के रूप में मैंने दे दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास फिर इसका, ये तो टू स्टेज की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास 10 अगर ट्रांजिस्टर है तो 10 हमने इस टाइप के कनेक्शंस जोड़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 10 ट्रांजिस्टर को भी एम्पलीफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ जो स्टडी की गई है
टू स्टेज की गई है, तो सिर्फ हमने दो ट्रांजिस्टर को यूज किया है। तो यह जो कैलकुलेशन आपका किया गया है सिर्फ एक ट्रांजिस्टर के लिए, ये जो कैलकुलेशन किया गया है सिर्फ किसके लिए है, एक ट्रांजिस्टर के लिए किया गया है, सिर्फ सिंगल ट्रांजिस्टर के लिए कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टी स्टेज का डायग्राम दिया है, लेकिन जो हाइब्रिड पैरामीटर के टर्म में डायग्राम दिया गया है वो सिर्फ सिंगल स्टेज के लिए, यानी इसी के लिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनता है, हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में यहाँ पर ये सर्किट बनता है। तो अब हम बात करें यहाँ पर कि इस सर्किट को हम कैसे ऑपरेट करते हैं। इसको अगर हम ऑपरेट की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज में, इसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी रेंज है वह उस टर्म में ये कैसे काम करता है, इसको हम लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमारे पास पहले जो आपके पास आएगा लो फ्रीक्वेंसी रेंज वाला हमारे पास पार्ट आता है। ये जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हमारे पास वैल्यूज आएगी वह कितनी आएगी, इसको आप ध्यान से देखें। लो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या दी गई है हमारे पास, लो फ्रीक्वेंसी रेंज की हम बात कर रहे हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर जो हमने ये जो कपलिंग कैपेसिटर लिया है, क्या लिया हमने, कपलिंग कैपेसिटर लिया है। कपलिंग जो कैपेसिटर लिया है इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये इसकी सीरीज में है। इस सर्किट में अगर हम बात करें तो ये काई में ये सीरीज में है, और ये जो सी ए से वह पैरेलल में है, सी ए से वो इसके क्या है, पैरेलल में लिया गया है। सीरीज में क्योंकि अगर हम इसके रिएक्टेंस की अगर बात करें यानी प्रतिघात की बात करें, अगर हम इसके प्रतिघात या रिएक्टेंस की अगर बात करें तो रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है 1/jωc होती है, जे ओमेगा सी सी, जे ओमेगा रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है 1/jωc होती है। क्योंकि मेरे पास सी सी का मान यहाँ पर ये जो वैल्यू है वह किस तरह से, यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी पर हम बात कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी, इसका मान कम है, ध्यान से देखना इसको, फ्रीक्वेंसी का मान कम है तो रिएक्टेंस का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका अगर मान क्या आपके पास कम है तो इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये इसका मान ज़्यादा है और ये जो आपके पास एक तो सीरीज वाला पार्ट है हमारे पास, और एक जो आपके पास ये सीरीज में है, ये काय में ये रेजिस्टेंस सीरीज में, एक जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वह पैरेलल में है, कौन सा, सी एस वाला पार्ट, ये पैरेलल में है। सीरीज में हम लोग जो रिएक्टेंस है वह सिंपल आप क्या करते हैं, ऐड करते हो, क्या करते हैं आप, यानी R1+R2+R3 इस टाइप से जोड़ते हैं आप लोग सबको, तो यहाँ जोड़ा जाता है। अगर इसका मान क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का मान कम है, लो फ्रीक्वेंसी पर हम बात कर रहे हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा आपके पास, रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा को सीरीज में अगर रखा जाए तो यह जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, इससे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी टर्म में देखो, अगर मान लीजिए कोई चीज अगर आपके पैरेलल में है तो यहाँ पर सी एस का मान क्या है, ये मोर है, सी एस की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, सी एस का ये रिएक्टेंस का मान क्या है, ज़्यादा है। रिएक्टेंस का मान अगर ज़्यादा है, अगर वो पैरेलल में अगर जुड़ा हुआ तो 1/r आता है, क्या आता है आपके पास, 1/r1+1/r2, इस तरह से आप टोटल आर निकालते हो। तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू क्या होगी आपके पास, बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही क्या होगी, कम हो जाती है। अगर कम अगर है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं,
इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर, ध्यान से देखना फिर से, लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर हम लोग CS को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, CS को छोड़ सकते हैं, और CC को क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको इन्वॉल्व अगर करते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो डायग्राम आपका बनेगा, ये जो आपका, ये जो पूरा की पूरा आपका ये डायग्राम बना है, ये पूरा की पूरा आपका जो डायग्राम बना है वह कैसे बनेगा, वह कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखें। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास कौन सी चीज निग्लेक्ट होगी, यहां पर हमारे पास कौन सी चीज निग्लेक्ट होगी, कौन सी चीज निग्लेक्ट हो जाएगी, ये आपके पास CS नहीं रहेगा, ये इन्वॉल्व रहेगा, ये आपके पास CE का मान क्या रहेगा, यह ये जो CC है वह रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, नहीं रहेगा, यह वाली वैल्यू आपकी क्या रहेगी, नहीं रहेगी, और बाकी सब चीजें एज इट इज रहेगी। तो फिर से आप डायग्राम यहाँ पर फाइनल जो इसके लिए लो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए मेरे पास जो सर्किट बनेगा वह क्या बनेगा आपके पास, यह मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक सर्किट बना के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर सेम वही के वही वैल्यू आएगी आपकी, और यहाँ पर भी सेम रेजिस्टेंस आएगा, और ये कैपेसिटर आपका रहेगा, ये कैपेसिटर आपका रहेगा, इनपुट HIE रहेगा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से ये क्या बनेगा, इस टाइप से सर्किट बनेगा। एक सब वैसा वैसा लिखेंगे आप, वापस यही कि ये लिखेंगे आप RLB एज इट इज हमारे पास है, क्या आपके पास RLB एज इट इज है, HIE एज इट इज आएगा आपके पास, और सिर्फ ये CS नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा, CS नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लेस हो गया, बहुत ही लेस हो गया लो फ्रिक्वेंसी पर पैरेलल में एड होने के कारण से। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो लो फ्रिक्वेंसी पर वह कैसा बनेगा यह सर्किट, इस टाइप से हमारे पास बनता है। तो ये जो वैल्यू मेरे पास बनेगी वह कैसे बनेगी, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस सर्किट की बात करते हैं, इस लूप की बात करते हैं। यहाँ पर अगर लूप की अगर बात करें तो इस लूप के अंदर हमारे पास ये जो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आएगा वह कितना आएगा, ये RL है, ये आपके पास RL है, तो ये 1/ क्या आ गया आपके पास, RL 1/RL, और प्लस ये जो मेरे पास आएगा ये HIE है, ये क्या आपके पास HIE है, और यहाँ आपके पास CC है। तो ये जो वैल्यू आपके पास HIE और प्लस इसका जो रिएक्टेंस होता है वह क्या लिखते हैं आप लोग, J ओमेगा CC से लिखा जाता है। तो इस तरह से मैंने इस सर्किट का क्या निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर, इम्पीडेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ZL इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, यहाँ R, ये जो आपके पास LCM आएगा RL, और क्या बचेगा आपके पास HIE, इसको मैं 1/ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ ओमेगा CC, और बाई क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर जो वैल्यू बचेगी सारी की सारी RL प्लस HIE माइनस J/ωCC भी लिखा जा सकता है। ये तो क्या हो गया आपके पास, इसके अंदर क्या आ गया, रेजिस्टेंस का मान आ जाता है। मुझे निकालना क्या है, इस लो फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन कितना मिलता है, लो फ्रीक्वेंसी पर, लो जो फ्रीक्वेंसी पर आपके पास वोल्टेज गेन हमारे पास कितना मिलता है, यह मुझे फाइंड करना है। तो वोल्टेज गेन एक्चुअल में क्या आता है आपके पास, आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज निकाला जाता है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, यानी अगर हम करंट की अगर बात करें तो I2 / IB आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके पास, I2 / IB
आना चाहिए। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर यह वैल्यू आती है। अब यहाँ क्या होगा आपके पास, ये आपका ये जो करंट होता है वो ये आईसी होता है, और यहाँ जो करंट होता है वो क्या होगा आपके पास आईबी करंट मेरे पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो आपके पास एच आई ई यहाँ पर आप इस लाइन को आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ से आपके पास ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, कहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, इधर वाले का वोल्टेज ड्रॉप कहाँ आएगा आपके पास, ये जो वोल्टेज ड्रॉप आपका आएगा I2 इंटू एच आई ई माइनस जे बाय ओमेगा सी सी, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह वोल्टेज वह जो करंट आएगा, ये तो रेजिस्टेंस आपका करंट, ये जो आपके पास पूरा रेजिस्टेंस है इसका जो आपके पास करंट एक्चुअल में यह आईसी है, या आपके पास आईसी या इसको I2 भी कह रहे हो, या कभी कभी यहाँ I2 भी नाम दे रहा हूँ IC भी नाम दे रहा, तो I2 वही बात है। तो यहाँ पर I2 ले रहा है, I2 का जो मान है वो यहाँ बहने वाली धारा के बराबर होना चाहिए, क्या होगा आपके पास यहाँ से बहने वाली धारा के बराबर होगा। तो HFE IB इंटू टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जो मान है इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपके पास इस एच आई ई और ये कहाँ आपके पास एच आई ई और हाँ इस सर्किट के अंदर यहाँ जो करंट आपका ये वाला रहेगा वो जो है इस टोटल रेजिस्टेंस के कारण से इसके ऊपर जो करंट आएगा या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, वह दोनों क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए। यहाँ से जो है वो यही आ रहा है, यही वाला यहाँ आ रहा, और ये वाला क्या है इस पूरे सर्किट के अक्रॉस है, क्योंकि मेरे पास ये जो पूरे सर्किट का इम्पीडेंस है प्रतिबाधा का मान है वो ZL बराबर ये मेरे पास आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या पैरामीटर्स आ गए, ये मान यहाँ पर आना चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास यह जो आउटपुट मिलेगा वह कैसे मिलेगा मेरे पास, माइनस HIE इंटू I2। ये माइनस क्यों आया ये पहले ही आप लोग पूछ चुके हो, और ये साथ ही साथ ये जो इनपुट वोल्टेज होगा वह क्या आएगा आपके पास HIE इंटू IB। इनपुट वोल्टेज कितना आएगा आपके पास HIE इंटू IB आएगा, और आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा HIE I2 आएगा, फेज डिफरेंस के कारण से आता है। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या मिल गया V इन और V आउटपुट मिलता है। अब हमारे पास यहाँ से मेरे पास क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ I2 निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से I2 निकाल सकता हूँ, यानी मेरे पास यहाँ से I2 का मान फाइंड करना पड़ेगा। और आपके पास ये जो AB लो पर क्या आपके पास AB लो, यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँगा I2 का मान निकाल लूँगा, ठीक है। तो I2 मेरे पास यहाँ क्या V आउटपुट मेरा यहाँ पर आ जाता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो AB है क्या आएगा आपके पास AB वोल्टेज गेन है, कहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी पर, इसका मान कितना आएगा आपके पास V आउटपुट बाई VI, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ I2 बाई IB लिख सकता हूँ, करंट गेन क्या आएगा आपके पास करंट गेन निकाला जा सकता है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल कर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्या आएगा आपके पास HFE, यहाँ से मेरे पास ये जो मान आएगा वह इसको उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ, मैं इसलिए आराम से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाए। IB और क्या आ जाएगा आपके पास ZL, और बाई इसके पूरा बटे में चला जाएगा ये HIE माइनस J बाई
जे बाई ओमेगा सी सी। तो ये क्या आ गया आपके पास, सिर्फ आई टू आया, क्या है आपके पास आई टू, और इसके बटे में क्या है आई बी चाहिए मुझे, क्या चाहिए यहाँ पर आई बी। तो ये जो आई बी है ये आई बी से आई बी कैंसल हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास, ये वाली टर्म बचेगी। ये वाली जो टर्म बची है इसमें मैं किसका मान उठा के रख देता हूँ, जेडेल का मान, ये जेडेल का मान पूरा की पूरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपका शिफ्ट होगा। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद क्या करेंगे, पूरा मान एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ कुछ चीजें क्या होगी आपकी कटनी होगी तो कट जाएंगे। देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला ये इससे कट रहा है, पूरा के पूरा ये यहाँ से कट हो रहा है, ए चाहिए जे बाई ओमेगा सी सी, क्या आ रहा है ये ऊपर वाले से ये कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास यहाँ से आर एल बचेगा और क्या बचेगा यहाँ से एच एफ ई बचेगा, क्या दो ही चीज बचेगी मेरे पास, एक तो माइनस साइन और क्या बचेगा एच एफ ई, एच एफ ई का मान बचेगा और बट्टे में क्या बचेगा, ये तो इससे कट गया तो सिर्फ ये वाला बचेगा मेरे पास एज इट इज आर एल, क्या आ गया आपके पास आर एल प्लस एच आई ई, एच आई ई माइनस जे बाई ओमेगा सी सी। तो ये चीज मेरे पास इतनी बचेगी, तो इस प्रकार से मेरे पास क्या आ गया ये ए बी का मान आ जाता है, ए बी का मान आ जाता है। तो मेरे पास ये जो वोल्टेज गेन है, ये करंट गेन है या वोल्टेज गेन है, इसका मान काय में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस का एक ही मतलब है, फेज जो है वो क्या होता है चेंज होता है। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर आप कह रहे हैं ये लो फ्रीक्वेंसी पर है, ओमेगा का मान लो है, तो एबी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, ये यदि कम है तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी डेटा में से अगर मैं ज्यादा घटा देता हूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू कम है, कम है तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू अगर ज्यादा आपने घटा दी तो ये कम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ज्यादा रहेगा। ए बी का मान क्या आएगा आपके पास, ज्यादा आएगा कि कम आएगा, लो फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा यानी बढ़ेगा। आप जैसे जैसे लो फ्रीक्वेंसी से इसका मान बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका मान क्या होगा बढ़ेगा। अगर मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करने की अगर यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ए बी का मान अगर इधर निकाल लेता हूँ, तो जैसे जैसे यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा का मान अगर है, तो जैसे जैसे मैं इसका मान बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा ऐसा करेगा, क्या होगा आपके पास ये धीरे धीरे इसका ए बी का मान क्या होगा इंक्रीज होगा, ए बी का मान क्या होगा इंक्रीज होता है। तो इस तरह से मेरे पास ये लो फ्रीक्वेंसी पर मेरे पास सॉल्यूशंस आता है। अब हम बात करते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी पर हम लोग बात करते हैं। ये जो मिड फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, आएगी आपके पास मिड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, मिड फ्रीक्वेंसी पर हम लोग बात करते हैं, ये जो मिड फ्रीक्वेंसी पर आपके पास वैल्यू है वह कितनी आएगी, मिड फ्रीक्वेंसी पर कितना मान आएगा। मिड फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं बात करूं, ये अगले पेज पे जाएगा, हाँ सारे के सारे डायग्राम वही लेना हमें, लेकिन मिड फ्रीक्वेंसी के अंदर, मिड फ्रीक्वेंसी पर फिर इसी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर किसको निग्लेक्ट किया था, लो फ्रीक्वेंसी पर, ये लो फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा, ज्यादा सीरीज में है, सीरीज में ज्यादा है तो सीसी का मान क्या हो गया था इन्वॉल्व यानी शामिल किया था हमने। लो फ्रीक्वेंसी पर आपके पास, लो फ्रीक्वेंसी पर इसका मान क्या होगा, रिएक्टेंस का मान लो ज्यादा होगा लेकिन पैरेलल में होने के कारण से ये वन बाय आर आएगा, पैरेलल होने के कारण से इसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, बहुत लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जिसके कारण से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं मिड फ्रीक्वेंसी पर, मिड फ्रीक्वेंसी पर अगर हम बात करें तो मिड वाले पार्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वापस वही चीज फिर से देखनी पड़ेगी।
कौन सी? रिएक्टेंस वाली कंडीशन। ये जो आपके पास रिएक्टेंस है, इसका मान आएगा आपके पास रिएक्टेंस है। पुनः देखो ध्यान से, रिएक्टेंस आर का मान, क्योंकि वन बाय आप लोग क्या लिखते हैं, सी सी लिखते हैं, हम सी सी की बात करते हैं, क्योंकि सी सी काय में जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में जुड़ा है, मीडियम फ्रीक्वेंसी में है, क्या आपके पास मीडियम फ्रीक्वेंसी में है। तो इस कंडीशन में ये जो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, तो कम होने के कारण से इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, सीरीज में होने के कारण से इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। कहा क्या कर सकते हैं आप, ये जो सी सी को है वो निग्लेक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से ये जो संट संधारित्र सी एस सी एस है, क्या आपके पास सी एस है, वह काय में जुड़ा रहता है आपके पास पैरेलल में, ये पैरेलल में जुड़ा रहता है। तो पैरेलल में होने के कारण से यहाँ पर ये जो वन बाय ओमेगा सी एस मिड पर, ये भी क्या होगा आपके पास, ये भी जो वैल्यू आपकी है, यह भी यह पैरेलल में है, तो उस कंडीशन में ये जो मिड वाली कंडीशन में, यहाँ पर मिड पर है, यहाँ पर भी मिड है, दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर भी इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर निग्लेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको निग्लेक्ट कर देंगे, यानी सीरीज वाला जो है उसे भी आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कम वैल्यू होने के कारण से या मीडियम वैल्यू होने के कारण से हमने इसको छोड़ दिया, और पैरेलल वाला जो है सी ए से उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको मीडियम वैल्यू होने के कारण से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको छोड़ सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ, मेरे पास फाइनल सर्किट कैसे बनेगा, फिर फाइनल सर्किट मेरे पास कैसे बनेगा, यहाँ मेरे पास फाइनल जो सर्किट बनेगा वह इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर मेरे पास ये जो है करंट है वह तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, एच एफ ई और आई बी, ये आप लोग कैलकुलेशन में लेंगे। ये जो मेरे पास लोड है इसको तो लूंगा ही मैं आर एल। अब ये जो आपके पास सी है वह दोनों ही छूट जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे, और एच आई ई बचेगा मेरे पास, और यहाँ से मेरे पास वी आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से मेरे पास वी आउटपुट मिल जाता है। तो ये जो एच आई ई है, एच आई ई है यहाँ पर रहेगा, ये आपके पास करंट आई टू कहूँ या फिर आई सी कहूँ, ये जो करंट आपके पास आई बी आएगा, और ये एच आई ई, एच आई ई ये वाला इधर ऐसा कैसा रहेगा, ये किसके लिए आ गया आपके पास, मिड फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके लिए आ गया आपके पास, ये जो आपने मिड फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात कर रहे थे उसकी बात आ गई। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आपकी क्या आएगी, मिड फ्रीक्वेंसी पर, मिड मिड फ्रीक्वेंसी पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो मिड फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास है वो फाइनल सर्किट क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। उस कंडीशन में मेरे पास ये जो वोल्टेज गेन है ए बी का मान है, क्या आपके पास ए बी का मान है, वह मिड पर, ए बी का मान कहाँ पर, मिड पर, मिड पर अगर हम बात करें तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग मिड पर अगर हम बात करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर मिड पर आप वापस वही की वही स्टडी करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप जेड एल निकालेंगे, तो वन बाई जेड एल इक्वल्स टू, यहाँ देखो वन बाई जेड एल यानी आपके पास कौन सा मान आएगा, यहाँ पर ये पूरा रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये तो सिंपल पैरेलल है, क्या आपके पास सिंपल पैरेलल वाली कंडीशन हमारे पास है, तो सिंपल पैरेलल वाली अगर कंडीशन है तो ये तो सिंपल क्या आएगा, पैरेलल से हम लोग निकाल सकते हैं, वन बाई आर एल और वन बाई एच आई का मान
निकाला जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट किसको निकाल सकते हैं, ZL इक्वल्स टू RL HIE और Y क्या आ जाएगा आपके पास, RL प्लस HIE। तो इस तरह से मैंने इसके मान निकाल लिया, ZL का मान। और फिर वोल्टेज तो वैसा वैसा आएगा आपके पास, आउटपुट जो वोल्टेज आपके पास आएगा कितना आएगा आपके पास, आउटपुट वोल्टेज बराबर माइनस एच एफ ई और आई बी ZL जो मैंने ऊपर निकाला ZL। तो इस तरह से मेरे पास किसका मान आ गया, ये ZB आउटपुट का मान आ गया। किसका मान आ गया मेरे पास, ये आउटपुट का मान आ जाता है। ये जो आउटपुट मेरे पास यहाँ कैसा आया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, दोनों के अक्रॉस में, तो दोनों के अक्रॉस में तो ये तो करंट आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, ये करंट आता है IB, क्या आएगा आपके पास IB, ये करंट का मान आता है। और ZL के अक्रॉस में ये टोटल रेजिस्टेंस आपका ZL हो गया, तो ZL के अक्रॉस में ही जो ये करंट आपका बह रहा है वही तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही क्या आएगा, और I2 जो है वो ये करंट हमारे पास मिलता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ZL के अक्रॉस में ये हमारे पास आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास V आउटपुट बनता है, और इसी तरह से V इनपुट जो हमारे पास आएगा वह क्या आएगा आपके पास, HIE IB के बराबर मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से मेरे पास इनपुट आ गया, क्या आ गया आपके पास, इनपुट वोल्टेज आ गया, और क्या आ गया मेरे पास, आउटपुट वोल्टेज आ जाता है। तो इनपुट और आउटपुट मेरे पास आ गया। अब क्या करूं, मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूं, AV mid, क्या निकाल लेता हूं, AV mid, यानी ये जो आपके पास वोल्टेज गेन है वो किस कंडीशन में, मिड वाली कंडीशन में। कौन वाली, कौन सी कंडीशन में देखें हम लोग, मिड वाली कंडीशन में हम लोग देखें, तो मिड में वही आ जाएगा जो फार्मूला पहले था मेरे पास, V output by V input। इसका मान अगर मैं रख दूं V output by V input, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी वह क्या आएगी, यहाँ पर V output by V input अगर रखूं तो ये IB से IB क्या होगा आपके पास, कैंसल हो जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास, HFE ZL by HIE, और ZL का मान उठा के यहाँ से मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसके बटे में मैंने रखा, यहाँ पर ये वाले सब V output और V input का मान रखा, तो IB मेरा कैंसल हो जाएगा यहाँ पर, और फिर क्या बचेगा यहाँ पर, ZL बचेगा, ZL की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ रखने के बाद मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, इसको ध्यान से देखें हम लोग, तो RL into HIE और बाय क्या बचेगा आपके पास, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये जो मैंने ZL का मान रखा, RL plus HIE मेरे पास यह वैल्यू बच जाती है। अब ये जो वैल्यू आपकी मिड वाली है, AV मिड है, इसका मान फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, AV मिड का जो मान है वह किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी वाली टर्म ही नहीं आई मेरे पास, जबकि इससे पहले वाले जो हमारे पास कैलकुलेशन था, इससे जो हमारे पास पहले वाला जो कैलकुलेशन था मेरे पास, वहां पर क्या वैल्यू आई थी आपके पास, फ्रीक्वेंसी वाली टर्म आई थी मेरे पास, क्या आई थी, यहाँ पर अगर हमें देखूं तो यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो देखो, यहाँ फ्रीक्वेंसी की टर्म आई थी, ये ओमेगा की टर्म आई थी मेरे पास, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा, मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है वह फ्रीक्वेंसी की टर्म ही नहीं है, यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी की टर्म ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यदि इसका अगर हम ग्राफ खींचें, कहाँ पर, मिड फ्रीक्वेंसी पर,
अभी आपने यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी पर आपने ग्राफ कैसे देखा था, ऐसा देखा था। अब हम देखें यहाँ पर मिड फ्रीक्वेंसी के अंदर, मिड फ्रीक्वेंसी में चाहे जितना बढ़ा लीजिए आप, लेकिन एवी का मान क्या रहेगा, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, तो एवी का जो मान है वह कांस्टेंट आएगा, वह लगभग क्या आएगा, कांस्टेंट आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास मिड फ्रीक्वेंसी में इसके ये मान आते हैं। इसी प्रकार से हम लोग कहाँ पर देखें, हाई फ्रीक्वेंसी पर देखें, तो ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी पर, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी पर है उसका मान कितना आएगा, ये तो किसका आ गया, ये मिड फ्रीक्वेंसी पर हो गया सॉल्यूशन। अब हम देखें हाई फ्रीक्वेंसी पर, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर हम लेते हैं तो वापस फिर वही स्टडी करना पड़ेगा आपको, ये ले कि नहीं ले, इनको आप ले कि नहीं ले, यानी कि सी एस का क्या होगा, सी एस जो शंट कैपेसिटर है और आपके पास ये सी सी है, ये दोनों ही हमारे पास कब लेना है और कब नहीं लेना है यह ध्यान रखें आप। अब ये हम बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर, अगर हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास रिएक्टेंस का मान 1/ωcc है, वह R का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम होगा तो इसको क्या करेंगे आप, क्योंकि ये तो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये जो सीसी को है इसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, सीसी को क्या करेंगे आप, निग्लेक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए आप अगर इसके रिएक्टेंस की बात करें, सी एस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पर है तो ये लेस है, ये वैल्यू क्या है आपके पास, लेस है, लेकिन ये पैरेलल में होता है, अगर ये पैरेलल में अगर है तो हमारे पास पैरेलल में होने के कारण से अगर ये लेस है तो 1/R आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई हो जाएगी, हाई होने के कारण से इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे, इसको कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से हाई फ्रीक्वेंसी पर सी एस गायब हो जाएगा और सी एस शामिल हो जाएगा, उस कंडीशन में मेरे पास सर्किट क्या बनेगा, ये जो आपने इनपुट दिया था ये तो इधर तो एज इट इज रहेगा, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पर हमारे पास ये भी कोई दिक्कत नहीं है, एच एफ ई आई भी रहेगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लोड हमारे पास रहेगा, आर एल तो एज इट इज है, लेकिन मेरे पास ये जो आपने सी सी की बात हम लोग कर रहे थे, ये जो मेन सर्किट के अंदर, हाँ अब किसको गायब कर दूंगा मैं, इसको गायब कर दूंगा और इसको ले लूंगा, क्या करूंगा मैं, इसको ले लूंगा, एच आई ई को भी ले लूंगा, इसको सी सी को नहीं लूंगा, किसको नहीं लूंगा मैं, सी सी को नहीं लूंगा मैं, तो सी सी को नहीं अगर लेता हूं तो उस कंडीशन में मेरे पास जो सर्किट है वह क्या बनेगा, ये तो आपके पास एच आई ई क्या बन गया, आपके पास एच आई ई बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास, सी एस शामिल हो जाएगा, क्या होगा आपके पास, सी एस शामिल हो जाएगा और ये आपके पास आउटपुट मिल जाएगा, सी एस क्या होगा, ये यहाँ पर ये शामिल हो जाएगा और ये आपके पास आउटपुट मिलेगा, ये आपके पास क्या था, आर एल, क्या था, आर एल था, ये क्या था आपके पास, आर एल एच आई ई, और यहाँ से मेरे पास आई टू मिलेगा और यहाँ पर मेरे पास आई बी मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी पर सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसे बनेगा आपके पास, ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पर किसको शामिल करेंगे, आप सी एस को शामिल करेंगे और सी सी को छोड़ देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई तो उसे आप इसका रिएक्टेंस की जो वैल्यू होगी वह कम हो जाएगी तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, इसका हाई अगर वैल्यू है तो ये लेस, लेस पर पैरेलल में होने के कारण से यह हाई हो जाएगा
और इसकी वैल्यू क्या होगी, शामिल करेंगे। तो मैंने सी एस को क्या कर लिया, शामिल कर लिया इस प्रकार से, ठीक है।